चैप्टर टू कंप्लीट हो गया है, ठीक है, लार्ज नंबर्स हो गए हैं, ठीक है। अपन लोग चैप्टर थर्ड ओपन कीजिएगा। चैप्टर थर्ड क्या है आप लोग का? चैप्टर थर्ड क्या है आप लोग का? चैप्टर फर्स्ट। हाँ सर, चैप्टर फर्स्ट है थर्ड है आप लोग का रोमन रूमनल। सब लोग ओपन कर लीजिए, सबका ओपन हो गया? यस सर। ठीक है चलो, और अर्पित रीड करो, बुक रीड करो। रीड करें। हाँ रीड करो। नेक्स्ट बुक राइट नंबर नेम। सर सबसे पहले राइट द नंबर नेम। सर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है आपका 19। परफेक्ट मैथ इस वाली में 19 नंबर पेज ओपन कर लीजिएगा, है रोमन रूमरल्स, ठीक है। अर्पित रीड करो। पेज नंबर 19। चैप्टर थर्ड है आपका, चैप्टर थर्ड जहाँ पे भी है परफेक्ट मैथ में, इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। यस सर। ठीक है सबका ओपन हो गया ना? अर्पित, अनीश और अविनाश। ठीक है yes. चलो अर्पित रीड करो, बुक रीड करो। डिजिट वन, डिजिट जीरो, वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन वी यूज डेली आर कॉल्ड इंटरनेशनल डिजिट एज दे आर यूज वाइडली ओवर द वर्ल्ड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हिंदू अरबी अरबिक अरबी डिवाइड एज दे वेयर इन हिंदू originated in Hindu culture, traveled to Arabia and then to Europe. Anushka? Yes. Anushka, perfect mathematics में आपका chapter third चल रहा है Roman numerals, ठीक है, तो इसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा। अभी अर्पित ने रीड किया डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 वी यूज डेली आर कॉल्ड इंटरनेशनल डिजिट। यानी कि जो नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये क्या कहे जाते हैं? इंटरनेशनल डिजिट, ठीक है। yes. सबको समझ आया? तो इंटरनेशनल डिजिट क्यों कौन कौन से होते हैं बताइए। अर्पित यस सर, इंटरनेशनल डिजिट कौन से होते हैं? ऐसे डिजिट जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से इंक्लूडेड होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डिजिट। एज दे आर यूज वाइडली ओवर द वर्ल्ड, जैसा कि हम जानते हैं यही क्या होते हैं? पूरे विश्व में यूज होते हैं। अगर वन को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ऐसे ही दिखाएं ये, और ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि ज्यादातर क्या होता है ये पूरे वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड में जो और देशेस हैं वहां भी ये लगभग इसी नंबर को ज्यादा यूज करते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हिंदू अरबिक डिजिट। ये इंटरनेशनल डिजिट का इसको हम लोग क्या और बोलते हैं? हाँ सर, कौन से बुक पढ़ा रहे हैं? परफेक्ट मैथमेटिक्स है अदिति और चैप्टर थर्ड, ठीक है सर। बुक दिखाइए।
देखिए ओके सर ओके ठीक है ओपन कीजिए आप एज दे आर ओरिजिनेटेड इन हिंदू कल्चर ओरिजिनेटेड मीन मतलब क्या होता है किसी को पता है अर्पित अनीश अदिति अनुष्का बताइए अर्पित यस सर ओरिजिनेटेड का मतलब पता है ओरिजिन का मतलब जानते नहीं जानते ओरिजिन बताओ ओरिजिन जो क्या कहते हैं आपका है ओरिजिन कभी आपने सुना है क्या चीज किसने बोला ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति या फिर जहां से उनका जन्म हो उसी को ओरिजिन बोला जाता है जैसे आपने देखा होगा ना गंगा इज ओरिजिन इन कहां से हिमालय तो सेम ऐसे ये जो लेटर्स हैं इन ये दे वी आर ओरिजिनेटेड इन हिंदू कल्चर ये हिंदू कल्चर से आए हैं ट्रेवल टू अरबिया एंड देन टू यूरोप उसके बाद ये यूरोप थे द ओरिजिन ऑफ हिंदू अरबिक नूमरल्स इन अरबिया वाज ठीक है पहले सब लोग अपना म्यूट होइए जब बोला जाएगा पूछा जाएगा तब वो कीजिएगा वाइस आ गया तब क्या फिर हेलो अनीश कुमार आवाज तो हमारे म्यूट किया है अब्दुल यस सर म्यूट हो जाइए बोल रहे हैं आज इधर वाइस आ रही है तो हम इन क्या कहते हैं थ्री नंबर्स के बारे में रीड करेंगे ठीक है अब है कह रहा है हियरिंग क्लास थर्ड वी शैल लर्न द यूज ऑफ फर्स्ट थ्री सिंबल्स आई वी एक्स रोमन न्यूमरल्स फॉर नंबर्स अप टू 39 एंड फाउंड बाय यूजिंग ओनली थ्री सिंबल आई वी एंड एक्स द न्यूमरल्स आर फाउंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स अब रोमन नंबर्स को हम कैसे बनाते हैं उसके लिए रूल दिए गए हैं फर्स्ट रूल है आपका रिपीटेशन आई एंड एक्स मीन्स एडिशन यानी कि रिपीटेशन मीन्स क्या होता है बताइए दोहराना दो बार यूज करना उसी को रिपीट करना रिपीटेशन कहा जाता है कह रहा है जो फर्स्ट रूल है आपका रिपीटेशन ऑफ आई एंड एक्स मीन्स एडिशन यानी कि अगर ये दो बार रिपीट किए गए आई और एक्स ठीक है क्लास दिख रहा है सबको यस अब ये कह रहा है कि अगर ये दो बार आ जा रहे हैं इसका मतलब ये दोनों ऐड हो रहे हैं एडिशन दिखा रहे हैं इट मीन्स आपका आई प्लस आई अब आई की वैल्यू कितनी होती है वन वन प्लस वन कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा आदि टू यानी कि ये जो लिखा है ये क्या हो गया है टू है सेम ऐसे एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है टेन अब इट मीन्स टेन प्लस टेन इक्वल कितना हो जाएगा यानी कि ये जो रोमन नंबर लिखा है इसको हम क्या समझेंगे ये क्या लिखा है रोमन नंबर हाँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अदिति कितना नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 20 नंबर अगर ये नंबर साथ में लिख के आएंगे इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडिशन को यानी कि ये वाला 10 ऐड होके हमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है होल 20 ठीक है ऐसे अल्टी दो एग्जांपल और दिए गए हैं क्या क्या दिए गए हैं बताइए क्या अल्टी
इसी के साथ नीचे देखेंगे आपका दो एग्जाम्पल और दिया गया है आई आई एंड आई, ठीक है, एस एफ एंड एफ। अदिति बताइए दोनों नंबर कौन कौन से हैं? सर ऊपर होगा थ्री, ऊपर वाले में थ्री, नीचे वाले में देखिए सर थर्टी। सर ये थर्टी होगा कैसे सर, क्योंकि ये टेन टेन है। अच्छा, यानी कि ये फर्स्ट वन है प्लस वन है, वन 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 इक्वल थ्री सर, थ्री टेन प्लस टेन इक्वल थर्टी सर, थर्टी। यानी कि जहां पे ये रिपीट में लिखे जाएंगे, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे आपका ये जैसे दिए गए हैं, इसका मतलब ये तीनों जो जितनी बार ये दिए रहेंगे उतनी बार ये एडिशन आपस में करेंगे। अब आपका देखेंगे रूल नंबर वन ए, रूल नंबर वन ए सब लोग देखेंगे, कह रहा है आई एंड एक्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन फाइव, यानी कि क्या होगा तीन बार से ज्यादा रिपीट नहीं किए जा सकते हैं। और इसी में आपका फर्स्ट बी का वी इज नेवर रिपीटेड, रिपीटेड वी कितना रिप्रेजेंट करता है, वी कितना रिप्रेजेंट करता है, ये पढ़ा है फाइव, तो कह रहा है जो भी है हम इसको क्या कहते हैं रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम वी एंड वी नहीं ले सकते हैं, और हम इसको फाइव प्लस फाइव टेन नहीं पढ़ सकते हैं। केवल जो रिपीट होगा वो आपका आई और एक्स रिपीट होता है। क्लियर है क्लास? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रूल नंबर टू है इफ आई इज रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ v or x, it is subtracted from the value of the symbol on the right. ठीक है, अब कह रहा है कि अगर i, ये जो i है ये आपके v और x के अगर पहले आ जाएगा, ठीक है, v और x के पहले अगर i आता है, क्या कहते हैं अल्पी अर्पित अनुष्का सब लोग देख रहे हैं ना, अगर ये चीज इसके पहले आ जा रही है इसका मतलब है इस वाले नंबर्स में से ये चीज सबस्ट्रैक्ट हो जाएगी। फोर कैसे सर, क्योंकि वन है और ये फाइव है। हाँ ठीक है थी। और ये क्या कह रहा है, जब ऐसी कंडीशन आएगी, जब ये ऐसी कंडीशन आएगी तो ये क्या कर देता है, माइनस कर देता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देता है, यानी कि फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा आपको फोर, फोर। ये आपका टेन था, ये सब स्ट्रैक रिप्रेजेंट कर देता है अगर लेफ्ट साइड का टेन, तो टेन माइनस वन इक्वल सर नाइन होगा, नाइन नाइन। यस सर। अब ये बताइए आदिति ये क्या होगा, सर ट्वेंटी वन गलत, अल्टी बताइए नाइनटीन, हाँ नाइनटीन होगा लेकिन ये नाइनटीन नहीं होता, जब 19 अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे करेंगे, पहले 10 कंप्लीट करना पड़ेगा तब हमको 10 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये वाला हो जाएगा आपका 19, यानी कि 10 कंप्लीट हो गया और इस वाले 10 में से 1 माइनस हो गया। क्लियर है क्लास? यस सर। अब है इसी में रूल 2A, v इज नेवर सबस्ट्रैक्टेड, यानी कि हम v को सबस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अब ये हम नहीं लिख सकते कि दिखा
ये यहाँ पे देखिए एक्स वी, हम ऐसे नहीं लिख सकते है, ठीक है, वी कभी भी सबस्ट्रैक्ट नहीं होता है। उसके बाद इसी में रूल टू बी, वी कैन नेवर बी रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि वी कभी भी एक्स के लेफ्ट में नहीं लिखा जाता, क्लियर है, यानी कि ये वी कभी भी जब लिखा जाएगा यानी कि ये गलत होता है। इस वी का यूज हम ऑलवेज हम एक्स के राइट साइड में करेंगे, ठीक है क्लास। अंति अब्दुल यस सर, यस सर, यस सर। इफ अ सिंबल इज रिटेन टू द राइट ऑफ वन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, वी एड इट्स वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन द लेफ्ट। जैसे कि है आपका है क्या है, जब कोई भी वैल्यू लिखी जाएगी राइट में ऑफ वन ग्रेटर वैल्यू, अब ग्रेटर वैल्यू मतलब कि अगर वाई और वी और एस के अगर इधर कोई वैल्यू लिखी जाती है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल दिया गया है वी आई, वी आई मीन्स क्या हो गया सर, वी आई मीन्स सिक्स, सिक्स। अब देखो ये जो वी आई दिया गया है, समझ अंति अवनीश, यस सर, अब कह रहा है जब ग्रेटर के आगे कोई नंबर लिख दिया जाए, अब देखेंगे वी आपका ग्रेटर है ना वन से, यस सर, क्योंकि ये फाइव रिप्रेजेंट करता है और ये वन रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, फाइव प्लस वन इक्वल सिक्स, यानी कि हमारा सिक्स रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें सिक्स लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे, सेम ऐसे आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये अब आप लोग कर लीजिएगा। और दिया गया फॉलोइंग द अबव रूल्स द रोमन नंबर्स कॉपी करना है, हाँ, ये जो 1 to 39 तक लिखा गया है इसको कॉपी में करना है, और कहाँ नहीं समझ आ रहा वो पूछना है, हो जाएगा क्लास, यस सर, ठीक है। तो 1 to 39 नेक्स्ट चैप्टर में हम सब लोग से लिखवाएंगे, ठीक है, आप लोग का कह सकते हैं ओरल टेस्ट टाइप का होगा 1 to 39, क्लियर है क्लास, यस सर। और कैसे आपने नेक्स्ट, अब आप जब क्या कहते हैं कल नहीं परसों, क्या चीज ये 1 to 39 सबका लिखाया जाएगा वीडियो ऑन करा के, और जो चीज आप लिखेंगे उसको आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, सर ये मैंने अगर 90 लिखा तो कब होगा टेस्ट, सर कब होगा टेस्ट, थर्सडे को, कब सर थर्सडे को, आपकी क्लास और होने वाली है, ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर जाइएगा।